आरोप भाजपा पे लगा कि आप लोगों ने एक महिला के चोट को भी राजनीतिक मुद्दा बना दिया, क्या लगता है इससे कोई नुकसान होगा? यह आरोप ममता दीदी को छोड़कर और किसी ने नहीं लगाया है, क्योंकि आपने देखा होगा कि जांच एजेंसियों की जो रिपोर्ट आई है और इलेक्शन कमीशन के पर्यवेक्षक ने जो कुछ भी रिपोर्ट में, उसके भी रिपोर्ट में जो भी बातें आई हैं, उसे स्पष्ट है कि सिक्योरिटी लैप्सेस के कारण जो है ये दुर्घटना हुई है। लेकिन यदि उन्हें चोट लगी है तो हमारी पूरी वो है, मैं यही कामना करता हूँ कि वो जल्दी वो स्वस्थ हो जाए। लेकिन यह भी उनके हताशा का ही यह परिणाम है जो कि भारतीय जनता पार्टी को उस चोट के लिए लांछित करने की कोशिश की जा रही है। ममता जी ने यह आरोप लगाया है कि प्रधानमंत्री देश को ही नहीं चला पा रहे हैं, देश जो उनको जनता ने दिया है वो नहीं चला पा रहे हैं, तो यहाँ कैसे चलाएंगे पश्चिम बंगाल? अब उनके आरोप लगाने से मैं समझता हूँ कि कुछ नहीं होता है, उसका कोई, उस आरोप का कोई महत्व भी नहीं है, क्योंकि आपने देखा होगा कि मोदी जी के नेतृत्व में लगातार 14 से लेकर 2019 तक सरकार चली है और जनता ने अपनी पक्की मुहर लगाई है। मैंने पहले से भी अधिक सीटों पर विजय देकर 302 सीटें केवल भारतीय जनता पार्टी को हासिल हुई है और एनडीए को देखिए तो बहुत ज़्यादा सीटों पर एनडीए ने कामयाबी हासिल की है। यदि ठीक तरीके से उन्होंने गवर्नमेंट न चलाई होती तो मैं समझता हूँ लोकसभा के चुनाव में 2019 में यह इतनी बड़ी शानदार कामयाबी हासिल न होती।